ये कनेक्शन हुआ तो आप पंजाब में, पंजाब में इस वक्त एक अलग सी आग लगी हुई है। नहीं नहीं, पंजाब के अंदर तो हम लोग, पंजाब के अंदर तो पूरे विश्व देश ने देख लिया कैसे चाबुक चलाया भगवंत मान की सरकार ने, किस तरह से जो अलगाववादी थे या किसी द्वारा प्रायोजित किए गए थे, वो भी समय आने पर पता चल जाएगा कि किसके द्वारा वहां पर आयोजित इनको किया गया था। तो साल भर के अंदर उन्होंने इतना हवा खड़ा कर दिया कि पंजाब अशांत हो जाए, उसका जवाब तो खैर आ गया, आपने देखा। अच्छा, पंजाब को अशांत करने की कोशिश कर रहे थे लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर लिया है। बिल्कुल, अभी अपने प्रयास में है, हमारे भगवंत मान जो वहां के मुख्यमंत्री और पुलिस जो इस पर पूरी तरह से तैनात है। अब मैं आ जाता हूं कि इन्होंने कहा कि खालिस्तानी कोई एंगल है इसके ऊपर, तो याद होगा जब दिल्ली में किसान बैठा हुआ था बेचारा, 700 किसानों की हत्याएं होगी, एक तरह से हत्या कहूंगा क्योंकि वो एक आंदोलन में बैठे हुए थे, जो किसानों ने मांगा नहीं तिलक चावला जी, वो उनको आप दे रहे थे जबरदस्ती। किसानों ने तो नहीं कहा कि तीन काले कानून आप अपने अडानी के लिए लेके आओ। और मजे की बात, कानून आता कब है, और हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वेयर हाउस के लिए बड़ी बड़ी जगह दे चुकी होती है, वेयर हाउस तैयार हो चुके होते हैं अडानी के। बिल्कुल, और वो तीन जो काले कानून है उसके तहत ये सारी चीजें की जाती है। गोरे काले नीले पीले मैं उस पर नहीं जा रहा कानून में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी हालात है, क्या ये शंका है कि राजनीतिक माहौल बनाने के लिए एक बार फिर किसानों के कंधे का इस्तेमाल हो रहा है, जो बात गुरुदेव शेख नहीं बोलना चाह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, तो आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे जाऊंगा। हाँ। कटेसा गांव है दिल्ली के क्षेत्र में, जहां पे इस समय एमसीडी के चुनाव में पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया था, उन्होंने कहा वोट नहीं देंगे। आज अरविंद केजरीवाल उनके पास पहुंचे, कोई चुनाव नहीं है निकट भविष्य में दिल्ली के भीतर, और उनसे पूछा भाई आप लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया, कहने लगे हमारी सड़कें खराब थी, नालियां नहीं बनी हुई थी, साफ पानी नहीं है, यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग मर जाते हैं उनके लिए कब्रिस्तान नहीं है, शमशान घाट नहीं है, उन्होंने कहा सब दिया मगर वोट दो, आम आदमी पार्टी को मत देना, किसी भी पार्टी को वोट देना मगर वोट जरूर दो।